हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है। JNU एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, कोर्सेज जैसी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, हम ये भी जानेंगे कि क्या JNU में एडमिशन लेना सही है या नहीं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर आर्ट्स कोर्सेज। JNU को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी मिल चुका है। JNU की स्थापना 1969 में दिल्ली में की गई थी और इसका नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। JNU में आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेज, MA, MSc, MPhil और PhD में कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पर आपको 34 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा कैसे। तो एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पर आपको मेरिट बेसिस पर एडमिशन नहीं मिलता। पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कोर्सेज का क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में मिलता है तो वहीं कुछ कोर्सेज का इंग्लिश में। एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस के लिए आपको मार्केट में कई सारी बुक्स मिल जाएंगी। एग्जामिनेशन का मोड ऑनलाइन होता है। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब और कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2020 है। एग्ज़ाम पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। 30 अप्रैल 2020 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपका एग्ज़ाम 11 टू 14 मई के बीच होगा एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन 31 मई 2020। अब अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो फाइनली आपका एडमिशन JNU में हो जाएगा। हालांकि ये सारी डेट्स चेंज हो सकती हैं और एडमिशन प्रोसेस भी डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना आउटब्रेक। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको 12th में 45 से 50% मार्क्स चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 55% मार्क्स चाहिए आपको अंडर ग्रेजुएशन में। और अगर आप MPhil या PhD करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स लाने होंगे। अब आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग सेंटर पर होता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर लिए लिस्ट देख सकते हैं, हर स्टेट में आपको सेंटर अवेलेबल कराए जाते हैं और आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप फीस की बात करते हैं तो वो हर कोर्सेज के हिसाब से अलग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। मोर ओवर, आपको यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और अगर आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी से जी तोड़ मेहनत शुरू कर दीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, स्टूडेंट्स में ये एक बहुत बड़ा डाउट है कि क्या JNU में एडमिशन लेना सही है। हाल फिलहाल में JNU में जो हुआ है उससे स्टूडेंट्स के मन में JNU की काफ़ी गलत इमेज बन चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँगी कि JNU इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। JNU ने हमें कई दिग्गज हस्तियाँ दी हैं। हमारे देश के बड़े बड़े नेता, नोबेल प्राइज़ विनर सब JNU से ही पढ़े हुए हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, अभिजीत बनर्जी, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, सुब्रमण्य जयशंकर, अमिताभ राजन जैसे कई बड़े लीडर्स JNU के एलुमनाई हैं। और जहाँ तक बात माहौल की है तो वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को वहाँ के किस माहौल में ढालते हैं। सिर्फ JNU में ही नहीं, हर इंस्टीट्यूट में आपको दो तरह के स्टूडेंट मिलते हैं। अब ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज चुनने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें, नेट पर सारी जानकारी लें, किसी की कही सुनी बातों पर ना आएँ। गूगल का पूरा इस्तेमाल करें, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लें और उसी हिसाब से अपना फ़ैसला लें। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें। और अब से आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज मुझसे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप इंस्टा पर जाकर नोजुकेशन को फॉलो करें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ। और ऐसी ही और वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ।